तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप किसी का भी BGMI का जो कंट्रोल्स होता है, ठीक है, उसे किस तरीके से कॉपी करेंगे और सही तरीके से किस तरीके से पेस्ट कर पाएंगे अपने मोबाइल पे। ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेंड का जो है वहाँ पर कंट्रोल्स को जो BGMI का उसने पूरा परफेक्टली अरेंज किया है, आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो आप जो है एग्जैक्ट किस तरीके से कॉपी कर पाओगे, इसके लिए जो एक कॉपी कोड होता है, ठीक है, उसे किस तरीके से जनरेट करना है, या फिर आप किसी को अगर अपना जो है कंट्रोल को शेयर करना चाहते हो किसी के साथ, तो वहाँ पर किस तरीके से कंट्रोल आईडी क्रिएट करके शेयर करना है, ये सारा प्रोसेस जो मैं बताऊँगा। और इससे करते वक्त, ठीक है, जो भी एरर्स आता है, जैसे कि अगर आपने वहाँ पर कंट्रोल कोड लेके पेस्ट किया तो वहाँ पर जो है कुछ एरर दिखा देगा आपको, जो है वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो इन दोनों चीज़ों को जो मैं इसमें वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा कम्प्लीटली, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो किस तरीके से सारा कुछ करेंगे इस वीडियो में, सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे आगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जाए आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी इस तरीके का वीडियो लाता रहूँ तो सारा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचता रहे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने गेम के अंदर। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है कम्प्लीटली यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं हम सेटिंग्स पे। ठीक है, आने के बाद यहाँ पर चलते हैं कंट्रोल्स पे। कंट्रोल्स पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पर आपके कंट्रोल जो है यहाँ पर देखने लग जाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर तीन लेआउट दिया हुआ है, इसके बारे में आगे आप लोगों को बताऊँगा कम्प्लीटली डिटेल्स में। तो यहाँ पर हमें अगर किसी को शेयर करना है तो किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल्स को कॉपी करेंगे ताकि हम शेयर कर पाएँ, तो हमें जो है यहाँ पर कस्टमाइजेशन पे चलना है। यहाँ जाने के बाद आपको जो है सिंपली यहाँ पर लेआउट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो लेआउट दिए हुए हैं और एक लार्ज आइकन्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर शेयर किस तरीके से करना है, अगर आपको आपका कंट्रोल जो है शेयर करना है, तो यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर साइड में दिया हुआ है शेयर का बटन। ठीक है, तो आप जो है इस पर क्लिक करके सिंपली शेयर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर शेयर पर क्लिक करते हैं। तो देखिए शेयर कोड विल बी इनिशिएटेड, यानी आपका जो है शेयर कोड यहाँ से बन चुका है, ये रहा। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपली इस कोड को जो है अपने फ्रेंड को दे देना है, अगर आपका कंट्रोल यहाँ से भेजना है, या फिर आपके फ्रेंड के पास से अगर भी लेना है तो उससे जो है इस तरीके से करने के लिए कहना है आप लोगों को। फिर जो है यहाँ पर कॉपी के बटन पर क्लिक करके कॉपी कर देना है, फिर व्हाट्सएप वगैरह किसी पर भी जो है आप इस कोड को जो है शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो गया यहाँ पर अपना जो है लेआउट कॉपी करने का मेथड। ठीक है, तो अगर आप किसी का लेना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे, तो आपको जो है सिंपली इसी प्रकार से यहीं पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद दोस्तों देखिए आपको जिस पे भी यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेआउट वन पे उसे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो है लेआउट वन को अप्लाई करना है यहाँ से। फिर जो यहाँ पर सर्च मेथड पर जाना है, फिर जो भी कोड को आपने कॉपी किया था यहाँ पर सिंपली उसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली ओके करना है, फिर यहाँ पर सर्च कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा रिव्यू और यूज का। ठीक है, तो आप सिंपली जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको जो है कंट्रोल्स कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, या फिर एग्जिट रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपका जो है सेटिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगा कम्प्लीटली, आप जिसका भी कोड यहाँ पर एंटर किए होगे। ठीक है, अगर आप लोगों का इस पे वर्क नहीं करता है, कुछ इशू दिखाता है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक्चुअली में इशू क्या होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे एग्जिट कर देता हूँ इसे। ओके, तो करते हैं यहाँ से एग्जिट। ठीक है, इशू एक्चुअली में हमारा होता क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो आप जिससे कोड ले रहे हो तो आपको देखना है सबसे पहले वो जो है कौन सा लेआउट वन करता है। पकड़ लो ये लेआउट वन है, ये टू है, ये थ्री है। ठीक है, अगर आप जिसके पास से ले रहे हो, अगर वो वन पे जो है क्रिएट किया है, तो अगर आप उसे टू पे या फिर थ्री पे यूज करोगे तो वो नहीं होने वाला। ठीक है, आप जिस पे पकड़ के चलो, आपने इस फर्स्ट पे जो है लेआउट का कोड बनाया कॉपी, तो आपको अगर दोस्त को देना है तो उसे बोल देना है कि उसे सिर्फ वन पे ही जाकर उसे पेस्ट करना है। ठीक है, अगर वो टू के कस्टमाइजेशन पे या फिर थ्री लेआउट के कस्टमाइजेशन में जाकर पेस्ट करेगा तो यहाँ पर जो है ये वर्क नहीं करेगा। मैं आप लोगों को ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना लेआउट है, ठीक है,
अगर वो इस किसी भी लेआउट पे अगर वो पेस्ट करता है तो हो जाएगा 100%। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि अगर आपने इससे क्रिएट किया है आईडी तो इसी पे ही पेस्ट करना है। अगर इस पे क्रिएट करके फर्स्ट पे क्लिक क्रिएट करके सेकंड वाले पे जो है आप उस कोड को एंटर करोगे तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं होगा वो कम्प्लीटली, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आ चुके हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं, फिर मैं यहाँ से एग्जिट लेता हूँ। तो चलते हैं सेकंड लेआउट पे, यहाँ पर मैं कस्टमाइजेशन पे क्लिक करता हूँ, लेआउट पे क्लिक करता हूँ, सर्च मेथड पे जाके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर देखिए इस तरीके से आप लोगों को एरर दिखाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार, ठीक है। जो है ये एरर कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एरर आप लोगों के पास आता रहेगा। तो आप सबसे पहले मेक श्योर कि आपका कौन से लेआउट पे जो है ये बना हुआ है, आप उसी प्रकार से जो है यहाँ पर यूज में ले लेना, ठीक है। तो दोस्तों तो काफ़ी आसान तरीका था, कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था इस पर, मुझे कमेंट कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बनाकर सभी लोगों को बता देते हैं, जिन लोगों का भी इस पर कन्फ्यूजन होगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों सभी लोगों का जो है यहाँ पर कन्फ्यूजन चला गया होगा, ठीक है। दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर कोड देता है, ठीक है, उसका आईडी जो है ऑलरेडी लॉगिन होना चाहिए उसके डिवाइस पे जिससे भी आप ले रहे हो। अगर उसने लॉग आउट कर लिया है, लॉगिन नहीं किया है, तो तब भी जो है चांस होता है कि आपका इस तरीके से एरर आ सके, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रख के कीजिए, आपका जो है 100% यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, कोई भी एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। तब भी अगर आप लोगों को कोई भी एरर वहाँ पर शो करता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दूंगा। और अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाकर डीएम कर सकते हैं। अपना इंस्टाग्राम है वाइल्ड टेक ऑफिशियल, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर हमें कमेंट जो है डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ पर जो है आप लोगों को 100% वहाँ पर आंसर करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड दोस्तों बाय बाय।